हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर रीता पावड़े, लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम ऑल फॉर द वीडियो सीरीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग अ सब्जेक्ट कोड 22423। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Before going for the linear applications of operational amplifier, which consist of total marks 24, we will remembering our last unit, that is the applications of operational amplifier. In the last unit, we have studied different applications of operational amplifier like adder, subtractor, integrator, differentiator, and derivations of their output voltage. In this unit, we will study about linear applications of operational amplifier. So, before the starting of our unit, we must have to know about our vision, mission, and the program educational outputs of Electronics and Telecommunication Department, as we belongs to this department. देखो बच्चों, कोई भी काम करने के पहले we must have our विजन एज वेल एज द मिशन। आप लोगों का विजन मतलब आप लोगों को आगे जाके क्या करना है, और जो भी काम आप कर रहे हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट वर्क, और मिशन कि आप लोगों ने जो काम हाथ में लिया है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, दैट इज द मिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द विजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द विजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट? सो To nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To nurture proficient diploma engineer, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसमें एडवांसमेंट आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को हम लोग समझ के उस तरीके से वो बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एबल करेंगे, नर्चर करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग वुड्स टाइप के डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे। दैट इज़ द विजन। ये हमारा विजन है कि हम लोग ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे लेके आए जो आगे जाके अपने टेक्निकल नॉलेज से अपनी प्रगति कर सकें। देन व्हाट्स द मिशन? अभी मिशन क्या है हमारा, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में मतलब सराउंडिंग में और इंडस्ट्री को किस तरह के पीपल्स चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, उस टाइप से हम लोग बच्चों को उतना क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट इज फर्स्ट मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट। प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। कहीं पे भी आप लोग जॉब करने के लिए जाओ या फिर सराउंडिंग में आप लोग अगर बिजनेस डील्स करने के लिए भी जाते हो तो यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंट इथिकल वैल्यूज फॉर द डेवलपमेंट। मतलब जिसके लिए, जिसके पास इथिकल वैल्यूज है उसका पर्सनालिटी डेवलप अच्छी तरीके से हुआ है, ये सामने वाले पर्सन को दिखाई देता है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोवाइड द इथिकल वैल्यूज एंड द आउटकम बेस्ड एजुकेशन। मतलब हम कोई भी सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उस तरीके से हम लोग उसका मतलब इतना आउटकम होना चाहिए उसका कि बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो दे मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट। देन इनकल्केटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन CO एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अमॉन्ग स्टूडेंट। हम बच्चों को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आए थ्रू द इनोवेटिव आइडियाज। उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके कारण बच्चों में उतना उत्साह और उतनी डेवलपमेंट उनकी होती है। Enhance the leadership skill and the employability or the higher education. हम लोगों का मिशन ये है कि हम लोगों को बच्चों में लीडरशिप स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन के बारे में उनको एनहांस करना है, ताकि बच्चे उतने अच्छे तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो दे विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन गिवन देम। Seeking continuous improvement
ऑफ नॉलेज एंड स्किल. हम लोग बच्चों को जो भी एडवांस नॉलेज देना है, स्किल देना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसमें कंटिन्यूसली डेवलप हो सके. इसके लिए हम लोग बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी ले रहे हैं. तो दीज आर द विजन एंड द मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन. देन वॉट आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देखो POs क्या है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट. तो देखो देयर आर थ्री डिफरेंट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोग्राम. प्रोग्राम इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट. उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे आर टेकन और दे आर प्रोवाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी स्किल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उनका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें जॉब ओरिएंटेड स्किल या फिर अलग अलग डिफरेंट स्किल उनमें आए, डेवलप हुए, होने की कोशिश करते हम लोग और बच्चे उस तरीके से वो जितने भी बाहर जा सकते हैं उनका नॉलेज उतना डेवलप होना चाहिए. सो द फर्स्ट POs इट इज़ नथिंग बट द प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड द एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रॉड बेस्ड प्रॉब्लम्स एडेप्टेड प्रोफेशनल इथिक्स. ऐसे बच्चों को हम लोग स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे कि वो बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके बारे में उनमें उतनी प्रोफेशनल इथिक्स होनी चाहिए कि दे कैन हैंडल इट इजीली. दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिपार्टमेंट. अडॉप्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क एनवायरमेंट एंड प्रमोट हायर एजुकेशन. बच्चों को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए कि दैट बट स्टूडेंट कैन बी एबल टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एनवायरमेंट एंड उनके साथ साथ उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना चाहिए. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिपार्टमेंट. देन एंड देन provides solution to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. कहीं पे भी वो अगर work करने के लिए जाते हैं या फिर कोई अगर वो लोग अपना काम बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले कि वो लोग communicate effectively करने चाहिए तो उसका वो उतना. और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन का उनको प्रॉब्लम देना है तो उतना कम्युनिकेशन मतलब उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और दे कैन बी द बेस्ट टीम मेंबर ऑफ देयर टीम. ये दीज आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट. देन आफ्टर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लेट्स स्टार्ट्स विद द आवर कोर्स आउटकम. सो द कोर्स आउटकम क्या है. कोर्स आउटकम टूडेज यूनिट इट इज अवर कोर्स. क्या है टूडेज यूनिट इट इज अवर कोर्स. एंड द कोर्स आउटकम फॉर दिस यूनिट दैट ट्रबल शूट वेरियस एप्लीकेशन ऑफ ऑपएम्प फॉर द गिवन स्पेसिफिकेशन. वॉट एवर द स्पेसिफिकेशन गिवन टू यू यू मस्ट बी एबल टू डेवलप अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूजिंग ऑपएम्प as well as the troubleshoot it. बराबर है. मतलब you can be able to assemble the particular application of op-amp by using the different components of their different specification. This is a course outcome. मतलब आप लोग जैसे ये unit खत्म होता है मतलब after the completion of this course you can be able to कि आप लोग खुद का मतलब अगर आप लोगों को ये दिया है कंपोनेंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया है तो यू कैन बी एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल बाय यूजिंग द सर्किट डायग्राम और डिफरेंट विथ देयर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट. तो दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट मतलब कैसा है कोर्स आउटकम. आप लोग ये जो कोर्स पढ़ने के बाद दिस इज अ आउटकम. जिसके बाद में CO एंड PO मैपिंग. आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉम लास्ट टू यूनिट्स आप लोगों ने CO PO मैपिंग का टेबल पढ़ा है.
कैसे आप लोगों को 7PO आप लोगों के पर्टिकुलर COs के साथ मैप होते थे, ये हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखो आप लोगों को कैसे करना है कि देयर आर नंबर ऑफ 7POs। जब भी आप लोग मैथमेटिकल बेस्ड या फिर डेरिवेशन डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन है उसमें जैसे कि माइक्रो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस आपने बनाए हैं उस एप्लीकेशंस के क्या आप लोग मतलब एक डिवाइस बना रहे हो उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया आप लोगों ने, एनालिसिस कैसे किया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल डेवलपिंग द डेरिवेशंस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू नो द मैथमेटिकल कंसेप्ट एज वेल एज योर डिपार्टमेंटल कंसेप्ट ऑफ योर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप लोगों का PO1 यहाँ पे मैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यह मैप PO1 विद द CO3। देन PO2 है प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट एवर द प्रॉब्लम आर सफरिंग इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये भी आप लोग, तो आपका कोर्स आउटकम ही क्या है, ट्रबल शूट करना है, असेंबल करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रन करना है, तो आप लोगों का यहाँ पे PO2 भी अच्छे तरीके से मैप होता है। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स यूजिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टूल्स। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे PO3 भी मैप होना। उसके बाद में सोसाइटी में बहुत कम बार इसका यूज होता है तो अपन यूज करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाने के लिए एकदम से सोसाइटी में उसको लाके अपन, जैसे अगर कोई भी अलार्म बना रहे हैं तो अलार्म कैसे हर घर में कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ओपम को यूज़ करके भी आप उसको यूज़ करते, बट इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इस यूनिट में आपको डेवलप नहीं करना है। उसके बाद में PO6 एंड PO7, जैसे कि आप लोगों के लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग और जैसे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी आप लोग बना रहे हो तो उसको मैप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे PO6 और PO7 भी मैप हो रहा है। देन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू, इट मीन्स यू विल बी एबल टू क्या क्या कर सकोगे, एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फॉर द गिवन एप्लीकेशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिपार्टमेंट अवर यूनिट दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विच इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑपएम्प। तो सबसे पहला आप लोगों का लर्निंग आउटकम भी यही होगा कि यू कैन बी एबल टू एक्सप्लेन द स्केचेस ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फॉर द गिवन एप्लीकेशन। देन चूज रिलीवेंट ऑपएम्प कन्वर्टर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। यहाँ पे अपन कन्वर्टर्स भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट। सिलेक्ट द ऑपएम्प बेस्ट कंपैरेटर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। कंपैरेटर भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले कि व्हाट इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट कंपैरेटर और कंपैरेटर के कितने टाइप्स है, ये सब अपन ये यूनिट में पढ़ने वाले। उसके बाद में एक्सप्लेन विथ स्केचेस वर्किंग ऑफ ऑपएम्प फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो These are the learning outcomes for this unit. In the last lecture, we have studied about the instrumentation amplifier using two op-amp. और उसके साथ साथ अपन ने उसके output voltage के लिए भी एक equation को derive किया था, which is nothing but the equation for the differential amplifier. जब अपन ने two op-amp को use किया था, at that time, one op-amp it is nothing but your non-inverting amplifier. उसके साथ साथ एक अपन ने differential amplifier use किया। अभी यहाँ पे अपन आज देखने वाले हैं दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp। अभी सभी को पता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। तो इन दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर वेयर वी आर यूजिंग 3 op-amp देयर आर 2 non-inverting एम्पलीफायर। क्या यूज करेंगे अपन, 2 non-inverting एम्पलीफायर एंड अलॉन्ग विथ इट वी विल यूज 1 subtractor। तो देखो this part it is nothing but your 2 non-inverting amplifier। kya hai ye non-inverting amplifier, theek hai, aur this is our subtractor। so the diagram which consists of the 2 non-inverting amplifier and the 1 subtractor that is called as the instrumentation amplifier using 3 op-amp। क्या बोलते हैं अपन उसको, using 3 op-amp। then
यहाँ पे देखो आप लोगों को अभी आउटपुट वोल्टेज के लिए इक्वेशन निकालना है। किसके लिए निकालना है? आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन के लिए आप लोगों को सभी को पता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बराबर है। बट यहाँ पे एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कि डायग्राम आपने देखी है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू ऑप एम्प, दैट इज A1 A2 एंड द थर्ड वन ऑप एम्प दैट इज द A3। तो आप लोगों का जो फर्स्ट वोल्टेज है, फर्स्ट इनपुट सिग्नल है, दैट इज कनेक्टेड टू द इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगेन इट इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब ये दोनों भी क्या है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसके मैंने आप लोगों को बताया कि डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ द टू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड वन सबट्रैक्टर, इट इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग थ्री ऑप एम्प, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये दो एम्पलीफायर, दैट इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और एक जो अपन ने लिया वो है क्या? सबट्रैक्टर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है? इक्वेशन निकालना है वीओ के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर हियर वन टर्म, दैट इज द Vx एंड दिस इज अ Vy, दिस इज अ Vx एंड दिस इज अ Vy। मैं कंसिडर करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पार्ट को मैं कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो मैं डायग्राम निकालूंगी यहाँ पे, डायग्राम निकालते टाइम आपको चीज ध्यान में रखनी है कि आप कौन सा पार्ट पहले कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम निकालते टाइम दिस इज अ Vy, दिस इज अ Vx, ठीक है, इट इज अ प्लस माइनस, और ये जो है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट है, राइट। यहाँ पे प्लस V, माइनस V, और ये दिस इज अ V1, दिस इज अ V1। नाउ मुझे इक्वेशन निकालना है किसके लिए? Vx के लिए। तो when V1 is active, कौन active है? This V1. When V1 is active, it means that is Vy is it at the zero volt. Vy is at the zero volt. इसको अपन नाम देंगे Vx dash. तो अपन इक्वेशन निकालेंगे उस टाइम Vx dash इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा अपना क्या R1 R2 R1। ये अगर जीरो हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप लोगों को यहाँ पे लगाना है बाय अप्लाइंग VDR, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हो तो आप लोगों से जो भी वोल्टेज, अनादर वोल्टेज अगर ग्राउंड साइड में कनेक्टेड उसके अगेंस्ट का रेजिस्टेंस आपको लेना है। तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी Vy इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है? जीरो। तो आप लोगों का जो इक्वेशन आएगा वो सबसे ऊपर वन प्लस क्या आएगा? वन प्लस क्यों आएगा? क्योंकि दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या आएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू क्या आएगा? V1 इनटू V1, बराबर है। और व्हेन Vy इज एक्टिव, अगर अभी Vy एक्टिव है, क्या एक्टिव है? अगर अभी Vy को अगर अपन ने एक्टिव किया तो आप लोगों को डायग्राम निकालना पड़ेगा कैसा? नीचे के पार्ट का, ये माइनस प्लस, ये क्या रहेगा आपका? V2, बराबर है V2। उसके बाद में अपन निकालते हैं दिस इज अवर टर्मिनल,
यहाँ से मैं लिखूंगी इसको ऐसा, इसको और इसको, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा क्या Vx, ये रहेगा मेरा Vy और ये रहेगा मेरा V2 प्लस V माइनस माइनस V और यहाँ पे R1 R2 और ये रहेगा R1। ये रहेगा जब अपन Vx को कैलकुलेट करेंगे सर्किट फॉर Vx, और जब अपन Vy को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल यूज दिस सर्किट फॉर Vy। तो यहाँ पे अपन ने Vx डैश के लिए इक्वेशन निकाला। अभी अगर मेरा यहाँ पे Vy एक्टिव है, अभी यहाँ पे मेरा Vy एक्टिव है और V1 जीरो है, क्या है ये V1 को मैंने क्या कही किया अभी जीरो, इसको अपन ने क्या किया किया अभी जीरो। वी वन इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स वेन वी वाई इज एक्टिव एंड वी वन इज जीरो, वी वन इज जीरो। तो अपना इक्वेशन क्या आएगा, इसको अपन कंसिडर करते हैं उस टाइम वी एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये अगर जीरो हो गया तो ये कनेक्ट हो गया तो इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, तो अपना कैसा आएगा माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इन टू क्या आएगा यहाँ पे वी वाई, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट है ना, ये कनेक्टेड हो गया एक्टिव हो गया मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का गेन क्या आता है माइनस आर वन अपॉन आर एफ, आर एफ में कौन कनेक्ट है यहाँ पे आर वन प्लस आर टू, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इन टू वी वाई, ठीक है। तो वी एक्स डैश मतलब दो कंडीशंस अपन ने रखे कि अपन ने सबसे पहले वी वन को एक्टिव रखा और वी वाई को जीरो रखा, सेकेंड टाइम में अपन ने वी वाई को एक्टिव रखा और वी वन को जीरो रखा। जब अपन ने वी वन को जीरो रखा तो दिस ऑप एम्प वर्क एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जब अपन ने वी वाई को जीरो रखा एट दैट टाइम दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्किंग एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नाउ वीओ के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को वी एक्स डैश प्लस वी वाई डैश मतलब आप लोगों को ये वी एक्स मिलेगा ये वाला वी एक्स आपको मिलने वाला है अभी कौन वी एक्स, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स डैश प्लस वी एक्स डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स डैश प्लस वी एक्स डबल डैश। तो अपना वी एक्स का वैल्यू क्या आया था वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी वन माइनस साइन था वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस आर वन प्लस आर टू इंटू वी वाई, बराबर है। नाउ सिमिलरली आप लोगों को वी वाई के लिए भी इक्वेशन निकालना है, तो अपन इतना वी एक्स के लिए जितना कैलकुलेट करते रहे उतना वी एक्स वी वाई के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम टर्म आप लोग वी एक्स के जैसे ही वी वाई में कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप लोगों को वी वाई का सिमिलर इक्वेशन सिमिलरली वी वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी टू माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी एक्स, बराबर है। ये इक्वेशन आएगा आपके लिए, मतलब आपके पास अभी वी एक्स का भी मिला और वी वाई का भी मिला। नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन टू थ्री, कंबाइनिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, कंबाइनिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, उसको अगर अपन ने इक्वेशन टू से इक्वेशन थ्री को या फिर इक्वेशन थ्री से इक्वेशन टू को अगर डिवाइड माइनस किया तो अपने पास आएगा वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या मिलेगा वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी टू, बराबर है, माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू
इंटू वी एक्स माइनस वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी वन माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस गेटिंग प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी वाई बराबर है। इतना समझ में आया। अभी ये टर्म देखो सेम है, वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। अपन इसको क्या निकालते, कॉमन। क्या निकालते अपन, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू वी टू माइनस वी वन। और सिमिलरली इन दोनों को निकालते अपन, दोनों को निकालते टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, वी वाई माइनस वी एक्स करना है। तो दिस इज अ वी एक्स और ये टर्म सबसे पहले आएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे अपन कैसा, प्लस आर वन प्लस आर टू वी वाई माइनस वी एक्स, वी वाई माइनस वी एक्स। अभी आप लोगों को यहाँ पे भी एक वी वाई माइनस वी एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे, वी वाई माइनस वी एक्स, ये प्लस है यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन। तो अपन क्या करेंगे, इन टर्म को माइनस निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे सॉरी। तो इक्वेशन मिलेगा अपने पास वी वाई माइनस वी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू वन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू वी टू माइनस वी वन। बराबर है। अभी इसको सॉल्व करते अपन, वी वाई माइनस वी एक्स सॉल्व करने के बाद ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी वन को, आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू, इस टर्म से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी टू माइनस वी वन। बराबर है। यहाँ पे आर वन आर वन गेटिंग कैंसल और यहाँ पे आर वन प्लस आर वन कितना हो जाएगा टू आर वन। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा आपको वी वाई माइनस वी एक्स, यहाँ पे आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन। बराबर है। नाउ आप देखोगे यहाँ पे सेम टर्म आर देयर, आर टू अपॉन आर टू, आर टू अपॉन आर वन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, वी वन वी वाई माइनस वी एक्स आर टू अपॉन आर वन ऐसा ही रहने देते। यहाँ पे इधर जाके टर्म्स को मल्टीप्लाई करते अपन, ये वी वाई माइनस वी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्वाइस आर वन अपॉन आर टू आर वन प्लस आर टू। ये अगर टर्म इधर जाए तो ये डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू वी टू माइनस वी वन। हियर आर टू आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू गेटिंग कैंसल। तो इक्वेशन मिलेगा क्या, वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू इंटू वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन। सिमिलरली अपन ए थ्री फॉर एम्पलीफायर ए थ्री के लिए लिखेंगे, सिमिलरली फॉर
ए थ्री, दिस इज अ फाइनल इक्वेशन. ये क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन. ए थ्री के लिए अगर लिखते अपन तो वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एज आर फोर अपॉन आर थ्री बराबर है वी वाई माइनस वी एक्स. वी वाई माइनस वी एक्स जिसमें अपन ने वी वाई माइनस वी एक्स का इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी मिला है तो वो पुट करेंगे. वी ओ इज इक्वल्स टू आर फोर अपॉन आर थ्री ट्वाइस आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू इंटू वी टू माइनस वी वन. दिस इज अ फाइनल इक्वेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग थ्री ऑप एम्प. अभी ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये ब्रिज मेजरमेंट एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ प्रेशर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ होता है. ये प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का अगर एडवांटेजेस पूछते हैं आप लोगों को, इट इज़ हैविंग द टू इनपुट एंड वन आउटपुट. उसके साथ साथ दिस प्रोवाइड्स द हाई CMRR, हाई गेन. उसके बाद में गेन कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द रजिस्टर थ्री, मतलब थर्ड रजिस्टर की, थर्ड जो एम्पलीफायर है उसके रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके आप लोग उसको यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ अ फाइनल इक्वेशन फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग थ्री ऑप एम्प. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट IC, दैट इज द LM 324. थैंक यू सो मच.